इस साल की सबसे बड़ी विवादित और बहुप्रतीक्षित फिल्म पद्मावत रिलीज हो चुकी है और फिल्म को दर्शकों से बेहद प्यार भी मिल रहा है। बता दें, फिल्म को काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन अभी फिल्म को लगभग 4 राज्यों में बैन कर रखा है। लिहाजा 4 राज्यों में राजपूत करनी सेना के विरोध के चलते फिल्म को फर्स्ट डे करीब 10 से 12 करोड़ का नुकसान हुआ। ट्रेड एनालिस्ट के अनुसार फिल्म को यदि बिना किसी विवाद के रिलीज किया जाता तो 30 करोड़ तक की ओपनिंग दे सकती थी ये फिल्म। अब देखना दिलचस्प होता है कि आखिर फिल्म को बैन करने का ये विवाद कब तक चलता है, क्योंकि फिल्म तो रिलीज हो चुकी है और शानदार प्रदर्शन भी कर रही है। बता दें कि 2 दिनों में फिल्म ने 50 करोड़ के लगभग कमाई कर ली है। ट्रेड पंडितों की माने तो यदि फिल्म शांति के साथ पूरे देश में रिलीज होती है तो ओपनिंग डे ही ये करीब 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन करती। फिल्म भारत में लगभग 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है, लिहाजा इस हिसाब से फिल्म काफी अच्छी कमाई करेगी। फिल्म 180 या 190 करोड़ के भारी भरकम बजट पर बनी है, लिहाजा फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 250 करोड़ की कमाई करनी होगी। इस फिल्म को एक फायदा ये भी है कि इस फिल्म की रिलीज की वजह से अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म पैडमैन की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया था और ये फिल्म सोलो रिलीज हुई है। साथ ही फिल्म के पास कमाने के लिए पूरे 15 दिनों का समय है, जिसका फिल्म को फायदा मिल सकता है। वहीं उम्मीद है कि पहले 4 दिनों में ही फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी, यानी कि वीकेंड तक फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल। तो आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।